आज की टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद भी बिहार हर दृष्टिकोण से पिछड़ चुका है, और ये पिछड़ापन कैसे खत्म होगा और इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में बृहद रूप से जानकारी लेंगे। बिहार को प्राकृतिक ने सब कुछ दिया है ना दोस्तों, जहां उपजाऊ जमीन, सभी जरूरी खनिज संसाधन, घने जंगल इत्यादि है ना। इस प्रकार अनुकूलन भौगोलिक परिस्थितियां एवं विशाल मानव पूंजी के बावजूद भी बिहार में लगभग 43 से लेकर 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो पा रही है। लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्य में जाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार अन्य राज्य बदहाली की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। किसी ओर से इसके समाधान के लिए कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। यह दयनीय स्थिति तो अखंड बिहार राज्य की थी। खंडित बिहार के संदर्भ में यह और कितनी बड़ी त्रासदी साबित हुई है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। कुछ कठोर सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको सही लग रहा है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें, और यदि आपके मन में कुछ सुझाव है तो सुझाव हम तक जरूर लाएं। देखिए दोस्तों, ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यहाँ टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हो सका? इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है? क्या केवल राजनेताओं की गलतियों के कारण ऐसा हुआ है, या फिर यहाँ की परिस्थिति ऐसी है? चलिए एक एक मुद्दों के बारे में, एक एक मुद्दों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। माफ कीजिएगा, आज थोड़ी सी आवाज मेरी खराब है। तो पहला मुद्दा है कृषि की दयनीय स्थिति। मैं एकदम सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं। अखंड बिहार में कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान था, कृषि का हमारे टैक्सेस के रूप में या यहाँ के लोगों को रोजगार के रूप में। लेकिन जब से नव बिहार का निर्माण हुआ, मतलब कि झारखंड जब से अलग हुआ, तब से बिहार कृषि प्रधान राज्य ही रह गया। किंतु विशेषकर विभाजन के बाद जो है सारी जिम्मेदारी कृषि पे आ गई, क्योंकि कृषि के अलावा बिहार में कुछ बचा नहीं था। पिछले दशकों में कृषि का विकास काफी धीमा रहा। यदि हम कृषि विकास की धीमी गति की तुलना देखें अन्य राज्यों से, तो हम बहुत बहुत पीछे हैं। हमारी स्थिति असंतुलनीय है। विभाजन के पूर्व का बिहार 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा था, जैसे कि आपको पता होगा, उत्तर बिहार, मध्य बिहार एवं दक्षिणी पठारी। तीनों क्षेत्र के कृषि विकास की दर मतलब भिन्न भिन्न असमान रहती थी। बिहार में अधिकांश किसान छोटे या सीमांत कृषकों की श्रेणी में आते हैं। जोत का उपविभाजन एवं उपखंड की स्थिति हमेशा रही है। एक बात जानते हैं दोस्तों, सुन के चौंक जाइएगा कि केवल 2% व्यक्ति के पास ही बिहार में 21% जोत योग्य भूमि उपलब्ध है। चौंकाने वाली न्यूज है ना, लेकिन इसे याद रखिएगा। प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग मात्र 79.63 किलोग्राम है, जबकि भारत की औसतन खाद का उपयोग 76.04 है। पंजाब में 159.99, उत्तर प्रदेश में 107.57 तथा पश्चिम बंगाल में 102.80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद उपयोग होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं।
पता नहीं बिहार में तकनीकी व्यवस्था कहाँ जाती है, यहाँ की सरकार चाहे किसी की भी हो, यदि बिहार में कमी है तो इसे दूर क्यों नहीं किया जाता है और दूर करने में इन्हें समस्या क्या होती है। चलिए बहरहाल ये मेरी टॉपिक नहीं है। बिहार की अनेक समस्याओं में से दूसरी समस्या बाढ़ की समस्या है। बिहार में नेपाल से आए जल के कारण प्रत्येक वर्ष कम या अधिक बाढ़ का आना तय रहता है, जिस बाढ़ के चलते मवेशी फल इत्यादि की इतनी क्षति होती है जिसका कोई वर्णन नहीं है, और ऐसी स्थिति में रोजगार का अवसर कृषि के क्षेत्र में शून्य हो जाता है। बिहार वासियों की कार्य शक्ति 2435 कैलोरीज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की क्षमता भी नहीं रह जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो रेगुलरिटी होती है एक शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो बिहारवासी जुटा नहीं पाते हैं। उत्तर बिहार में जल जमाव की गंभीर समस्या है, सदियों से होती आ रही है, कितने सदी कितने दशक जाएगी पता नहीं। बिहार के औसतन बाढ़ में जो क्षति होती है वो कुल देश की क्षति का 12% है, यानी कह सकते हैं कि बिहार में जो बाढ़ से जो क्षति होता है वो देश की टोटल बाढ़ की क्षति का 12% है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये यदि आंकड़ों पे यदि हम ध्यान देना आंकड़ों पे तो देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 52% हिस्सा बिहार का है, फिर भी समस्या जस की तस है। हम और आप इंतजार करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस मुद्दे पे इसलिए भी नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है ना। अब थोड़ी सी चर्चा औद्योगिक पिछड़ेपन के बारे में कर लेते हैं। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब स्वतंत्रता मिला था हमें तब उस समय बिहार राज्य देश का 5वां औद्योगिक राज था। सुन के चौंक गए ना, किंतु आज चीनी सीमेंट इस्पात कागज एवं जूट उद्योग का पतन औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बन गया। दोस्तों बिहार के विभाजन के बाद बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं, पिछड़ा तो था ही और विभाजन के पश्चात और भी पिछड़ा हो गया। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में चले गए और जो कुछ बचा उसमें विकास हो नहीं पाया। चीनी मिल में सर्वांगीण क्षेत्र के सारे रास्ते ही बंद हो गए। सरकार ने 1997 में इन मिलों को बेचने की इच्छा भी जाहिर की परंतु कोई खरीदार ही नहीं मिला। अशोक पेपर मिल चालू नहीं हो सका। चर्म उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रेशमी कीट पालन उद्योग लगभग सभी वित्तीय संकट एवं तकनीकी पिछड़ेपन के शिकार हैं, जिस कारण बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। यदि इस संकट को दूर करना हो तो हमें बिहार में बड़ी से बड़ी मात्रा में बाहरी कंपनी को निमंत्रण देना चाहिए। और एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कि असामाजिक तत्व को ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पहले हमारे बिहार में काम करने की जो ललक थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज ललक है लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है और हम इंतजार में हैं कि व्यवस्था कब होगी। यहाँ एक बात और बता देता हूँ, काम करने की ललक नहीं थी का मतलब गलत नहीं सोचिएगा, इसका मतलब ये था कि हम लोगों को बाहर जाने की इच्छा नहीं होती थी, न हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, बाहर जाने की इच्छा नहीं है, और है भी तो व्यवस्था होगी तभी ना, व्यवस्था है ही नहीं। और पहले भी मैंने कहा हमें करना है बस वेरी गुड इंतजार। अब कुछ प्रकाश डालते हैं वित्तीय संस्थाओं के ऊपर। देखो अविभाजित जो पहले बिहार संयुक्त बिहार थे उसकी पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी सी। देखो
अविभाजित बिहार में भी वित्तीय संस्था का अभाव था, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत अच्छी थी। बंटवारे के बाद और भी अभाव हो गया, जिसे साख यानी कि जो इमेज होती है ना अपना वित्तीय संस्था का, वो प्रभावित हो गया। विभाजन के पश्चात जो नया बिहार है उसमें 22 ग्रामीण बैंकों में 16 ग्रामीण बैंक तो रह गए, जिसकी कुल शाखा 1486 है और जिसमें 16 में से 9 घाटे में चल रही है। वर्ष 2002 से 2003 के दौरान साख जमा अनुपात लगभग 24.93 था। यदि इस क्षेत्र में सरकार थोड़ी सी पहल नहीं करेंगे तो समस्याएं और गंभीर हो सकती है। यदि मैं अपनी कुछ राय व्यक्त करूं तो राय यह है कि बैंक वालों को भी सोचना चाहिए, यदि बिहार कृषि प्रधान देश है तो कृषकों को सही तरीके और सुलभ तरीके से लोन मुहैया करें। ये बात सब जानता है, जग जाहिर है, इतिहास गवाह है कि पैसे किसान लेके नहीं भागता। बड़े बड़े उद्योगपति नीलम ओ मोदी जैसे जो लोग हैं वही भागते हैं। किसान आत्महत्या कर लेगा लेकिन किसी के पैसे लेके नहीं भागेगा। सरकार को चाहिए कि कृषि लोन संबंधित जो प्रावधान हैं इनको और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करें, जिसमें ज़मीन के कागज वगैरह न लें। शायद ये सारी प्रक्रिया करके वित्तीय संस्थाएं सुधर सकती है और बिहार में जो किसान हैं उनकी भी स्थिति अच्छी हो सकती है। बिहार की जो अगली महत्वपूर्ण समस्या है वो गरीबी है। यहाँ पे गरीबी की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका एक कारण है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 2193 रुपया है। इस महंगाई के दौर में इस पैसे में बिहार की जनता क्या बचत करेगी, और जब बचत नहीं होगी तो उनकी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया तैयार हो ही नहीं पाएगी, और पूंजी निर्माण की प्रतिक्रिया और नहीं हो पाएगी तो वो धन एकत्रित नहीं कर पाएंगे और वो पूंजीपति कभी नहीं बन पाएंगे, और ये पिछड़ापन का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगला मुद्दा है निम्न आर्थिक दर। भारत में आर्थिक विकास दर उतार चढ़ाव के बीच जहां 5.9% अनुमानित है, वहां अखंड बिहार राज्य का विकास दर 2.9% और शेष बिहार का लगभग 1.6 आंका गया है। ऐसी स्थिति में बिहार का पिछड़ापन की जो स्थिति है वो सिद्ध होती है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि इसको कैसे खत्म किया जाता है। फिर भी मैं इस वीडियो में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है और इसको कैसे निदान किया जाता है क्या है तो बता दिया हूँ। क्या और कैसे खत्म किया जाएगा मैं कुछ सूत्र बताता हूँ। पहला ये है कि राज्य के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए समुचित उपाय किया जाना चाहिए। दूसरा कारण ये है, दूसरा सोल्यूशन है एक्चुअल में, कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, अतः पंजाब के तर्ज पर खेती कर हरित क्रांति लाई जानी चाहिए। अगला मेरा सुझाव है कि बिहार में उद्योग का अभाव है न जी, तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाए, उन्हें छोटे मोटे लोन दिया जाए ताकि किसान सबल हो सके, पूंजीपति बनाने की चेष्टा की जाए, चीनी मिल बंद हो चुके हैं उन्हें प्रारंभ की जाए। अगला सुझाव, ऊर्जा विकास के लिए संभावित प्रयास किया जाए जिससे ऊर्जा भविष्य में उत्पन्न हो सके। लोक उपाक्रमों का निजीकरण किया जाए जिससे कि स्थिति सुधर सकती है। अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित सामाजिक और आर्थिक अधिसंरचना को भी विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त मैंने जितने सारे बातें बताई यदि फॉलो किया जाए या कुछ माना जाए तो मेरे ख्याल से बिहार का पिछड़ापन खत्म हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। यदि यहाँ तक आपने वास्तविक रूप से वीडियो देखा है तो मेरा यकीन है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।